देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन में, हम लोग आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 15 से स्टार्ट करना था क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लिया था, और अब हमें क्वेश्चन नंबर आपके साथ 14 से स्टार्ट करना था। लेकिन हम आपके साथ क्वेश्चन 14 स्टार्ट ना करके पहले हम आपके साथ क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे, ताकि हम आपको ग्रेड सिस्टम स्लैब के बारे में बता सकें, जो बेसिकली बात करता है इंक्रीमेंट की। इसमें बताया गया है कि एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर जेड, वो जॉब कर रहा था आईसीसी लिमिटेड में, जिसकी 1 जुलाई 2015 को स्केल था 15,000, और कहा था कि जब तुम्हारी तनख्वाह 15,000 हो जाएगी तो हम तुम्हारा इंक्रीमेंट 1,500 रुपये हर साल करेंगे, लेकिन जब तुम्हारी तनख्वाह 21,000 हो जाएगी तो तुम्हारा इंक्रीमेंट हम कितना करेंगे, 2,500 रुपये ईयर करेंगे। अब हमें ये पता करना है कि इसकी तनख्वाह अभी के समय 18-19 में कितनी है, ये हमें पता करना है बेसिकली, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। बस ये हमसे पूछ रहा है कि आप क्या बता दो, तनख्वाह बता दो कि इसकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कितनी तनख्वाह होगी। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके साथ इस क्वेश्चन को लिख लिया है ताकि मैं आगे करा सकूं। तो मैंने इस क्वेश्चन को टॉप पर मेंशन कर दिया। मान लो इसकी तनख्वाह एक मिस्टर जेड की 1 जुलाई 2005 को कितनी तनख्वाह थी, मान लो इसकी तनख्वाह थी उस समय 10,000 रुपये, 10,000 तो नहीं, कितनी थी, 15,000, 15,500। तो अब है 15 है, लेकिन आप इसे 15 भी कर सकते हो, मैं इसे 5 के साथ ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तब फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ, ठीक है, फिर आगे करेंगे उस क्वेश्चन को, हम बाद में करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल, सपोज दैट इसने अगर अपनी ज्वाइनिंग करी होती 1 जुलाई 2015 को, तो अब इसकी तनख्वाह कितनी होती। मान लो इसकी जुलाई 2005 से लेकर 30 जून 2006 तक इसकी तनख्वाह होती 15,500 पहले साल, दूसरे साल इसकी तनख्वाह कितनी हो जाती, 1,500 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 17,000, फिर अगले साल कितनी हो जाएगी, 18,500, फिर कितनी हो जाएगी, 20,000, फिर कितनी हो जाएगी, 21,500। लेकिन जैसे ही तनख्वाह इसकी 21 से ऊपर होगी, फिर कितना पैसा जुड़ेगा इसकी तनख्वाह में, 2,500, और फिर 2,500, फिर 2,500, फिर 2,500, फिर 2,500, फिर 2,500। हमें ये क्वेश्चन करना था, मतलब कहने का यह है कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है कि आपकी डेट क्या है जिस दिन आपका इंक्रीमेंट होता है। तो डेट क्या है यहां पर, 1 जुलाई 2005, और इसकी लास्ट डेट कब होगी, 1 जून की जगह आप इसे कितना कर दो, 30 जून, क्या डेट होगी लास्ट, 30 जून, और मैं आप इसको डेट को चेंज कर दूं, डेट का फॉर्मेट, और मैं यहां पर DDMMYY डाल देता हूं, ठीक है, ये आपकी डेट आ गई, ठीक है, आप इसको देख लेना। अब वो बात की बात है, इतना समझ आ गया आपकी 1,500 की। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करूं, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इसकी तनख्वाह कितनी थी, 15 थी, कब, 1 जुलाई 2015 को इसकी तनख्वाह कितनी थी, 15,000। तो मैं इस क्वेश्चन को यहां तक डिलीट कर देता हूं। मान लो इसकी तनख्वाह कितनी थी इस समय, 15,500 थी, कितनी थी, 15,500, तो यहां कब तक थी, ये 30 जून तक थी, फिर अगली बार 30 जून तक इसकी तनख्वाह कितनी हो गई होगी, 1,500 जुड़ के कितनी तनख्वाह हो गई इसकी, 17,000, आपका एग्जाम्पल है, 9, 15,000 है, तो कितनी हो गई आपकी, 16,500। लेकिन 1 जुलाई 2017 को उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, 18,500, और वो हमसे कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, 18-19 की।
तो अब इसकी तनख्वाह कितनी? 19,500, और फिर कितनी हो जाएगी? 21,000। लेकिन उसने कहा कि मुझे इस साल की टोटल तनख्वाह बता दो 18-19 की, उसकी कितनी है। तो आप कहोगे सर अप्रैल से लेकर जून तक उसको कितना मिला है? 18,000 और 18,000 टोटल मिला के कितना मिला उसे? 54,000 तीन महीने, और बचे कितने? 9 महीने के हिसाब से 19,500। तो कितनी तनख्वाह होगी? 1,75। दोनों को जोड़ लो, उसकी तनख्वाह होगी 2,29,500। क्लियर है? वंजुल समझ आया या नहीं समझ आया? नहीं समझ आया राजेश? आपने जॉब करी अप्रैल में, जब आपकी तनख्वाह कितनी थी? 18,000। मतलब कब थी आपकी तनख्वाह? 18,000। इसका मतलब अप्रैल में आपकी तनख्वाह कितनी थी? 18,000। मई में की तनख्वाह कितनी थी आपकी? 18,000। लेकिन जून में भी तनख्वाह कितनी थी आपकी? 18,000। लेकिन जुलाई से आपकी तनख्वाह बढ़ गई कितनी? 1,500 रुपए और बढ़ गए। तो कितने हो गए होंगे जुड़ने के बाद? कितना? 19,500। और कब तक रहे होंगे? मास तक। मास तक रहे ना, तो ये 4 महीनों के बचे कितने महीने? 8 महीने। तो आपकी तनख्वाह कितनी रह गई? 1,56। मैंने टोटल कर दिया और आपकी तनख्वाह कितनी आ गई? 2,29,500। कितनी आ गई? 2,29,500। इसे स्केल मोड भी कहते हैं, ग्रेड सिस्टम भी कहते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपका क्वेश्चन नंबर 14-15 इजी आप आराम से कर सकते हो। जुलाई से, हाँ 9 महीने हो ना, क्योंकि जुलाई तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था ना, तो तभी तो 4 महीने ऊपर और इनटू आर प्लस 8, तो 12 मंथ हो गए। सर अप्रैल 1 महीना, मई 2 महीना, जून 3 महीना, जुलाई मैंने यहाँ लिख दिया, तो 4 महीने लिख दिए ना, बच्चे कितने? अब 12 में से 4 जाएगा तो मेरे हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। तो वैसे मैंने भी लिखा, ठीक है, मैं जोड़ के लाया था पहले घर से कि कहीं दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 15 को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहाँ कराएंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्टार्ट करते हैं। इसमें ग्रेड सिस्टम है, ध्यान से करिएगा वरना आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसमें एक बंदा है जिसका नाम है ए, जिसने ज्वाइनिंग करी थी सर्विस को ग्रेड सिस्टम के हिसाब से 10,400 में इसकी पहली तनख्वाह थी, और हमने कहा जब तक तुम्हारी तनख्वाह 16,000 नहीं होगी हम तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपये तक नहीं बढ़ाएंगे। जिस दिन 16 हो जाएगी आपका इंक्रीमेंट कितने रुपये का होगा? 500 रुपये का। और जिस दिन आपकी तनख्वाह 20,000 हो जाएगी आपका इंक्रीमेंट कितना कर देंगे हम लोग? कुछ नहीं बताया कितना इंक्रीमेंट करेंगे। क्लियर? अब लेकिन उसने ज्वाइनिंग कब करी है? 1 जुलाई 2001 में। कब एडमिशन कराए? 1 जुलाई 2001 में कराए। उसने अपना रिजाइन दे दिया कंपनी में से 15 सितंबर 2018 को, ठीक है। उस समय जब वो रिटायर हो रहा है तो उस समय डीए मिल रहा है कितना? 50%, जो किसके अंदर है? एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर है। क्लियर है? ऑन रिटायरमेंट ही रिसीव ग्रेचुटी ऑफ ₹2,40,000। उसे कितना मिल रहा है? 2,40,000 रुपये ग्रेचुटी मिल रहा है, एंड 8,000 रुपये पेंशन मिल रही। कब से? 16 सितंबर से। फिर उसने 1/1/2019 को अपनी पेंशन कितने परसेंट कम्यूट करा ली? 75% कम्यूट करा ली, और कितने ले लिए उसने? 6 लाख। और वो क्वेश्चन में कहता हमें क्या बता दो? ग्रॉस सैलरी बता दो। क्या? विद इफेक्ट फ्रॉम, इस दिन से इफेक्ट हुआ। क्या बोलेंगे? विद इफेक्ट फ्रॉम। क्लियर है? आ जाओ, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में ये लिखा, सबसे पहले मैंने यहाँ चार्ट बनाया। इस चार्ट में मैंने यहाँ पर रफली एक कैलकुलेशन करी, जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, आप एक जब भी क्वेश्चन करें टेस्ट में स्पेशली, आप एक वर्किंग नोट ऊपर बना ले पहले ही,
ताकि आपको क्वेश्चन देखना ना पड़े बार बार। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो मे बी आप एक अपना वर्किंग नोट बनाएं जहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले ही मेंशन कर दें। मान लो मेरी तनख्वाह 10,400 थी, सब बता दिया क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, कितने परसेंट कम्यूट कराया, ये। अब मुझे ये पता करना है सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले उसने अपना एडमिशन कब किया है, 1 जुलाई 2001 को, जिसकी तनख्वाह कितनी थी 10,400। अगले साल इसकी तनख्वाह कितनी बढ़ गई, 400 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, फिर कितनी हो गई, फिर कितनी, फिर कितनी, फिर कितनी बढ़ती गई, बढ़ रही तनख्वाह इसकी, जैसे साल गुजर रहे हैं वैसे इसकी तनख्वाह बढ़ती। अब कितनी तनख्वाह हो गई, 16। 16 हो जाने के बाद कितनी तनख्वाह बढ़ गई इसकी, 500 बढ़ गई, 500 बढ़ गई, 500 बढ़ गई और 500 बढ़ गई। क्लियर है, बढ़ गई 500। अब हमें फिलहाल कौन सा फाइनेंशियल ईयर था हमारा, असेसमेंट ईयर 19-20 था, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 18-19, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम इतना कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब सबसे पहले जब इसने जॉब स्टार्ट करी तो मार्च तक इसकी तनख्वाह, मतलब लास्ट 30 जून तक इसकी तनख्वाह कितनी थी, कितनी थी, 17,000। इसका मतलब अप्रैल में इसकी तनख्वाह कितनी थी, 17, मई में कितनी थी, 17, जून में कितनी थी, 17। इसके बाद तनख्वाह कितनी हो गई इसकी, कितनी, 1500 बढ़ गई। जब इसकी तनख्वाह 500 बढ़ी है ना, तो कितनी हो गई, 17,500। और कब तक इसकी रही, पूरे साल रही होगी ना अगर ये काम करता। लेकिन इसने अपना रिटायरमेंट कब ले लिया था, रिटायरमेंट था मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन में 15 सितंबर 2018 में रिटायरमेंट हो गया। आ जाओ नीचे, अब मुझे ये बताओ इसकी बेसिक तनख्वाह कितनी थी। तो सर अप्रैल में इसको 17,000 मिले होंगे क्योंकि ये जॉब कर रहा था, मई में कितने मिले होंगे, 17, जून में कितने मिले, 17, जुलाई में कितने मिले, 17, अगस्त में कितने मिले, 17। लेकिन सर सितंबर में पूरी तनख्वाह नहीं मिली क्योंकि इसने 15 दिन काम किया था, इसका मतलब इसे कितना मिला होगा, आधा, तो कितना हो जाएगा, 2,8750। सर बाकी महीने कितना मिला इसे, 0, बाकी महीने से क्या मिला, 0, क्योंकि वो क्या हो गया था, रिटायर हो गया था। अच्छा उसने कहा डीए कितना मिलता होगा इसको, इसने क्या बोला, डीए कितना मिलता, उसने कहा सर जितना होगा उसका 50% 50% 50% 50% और 50%। उसके बाद इसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई थी, कितनी, 8,000 रुपये, कब, 16/9/2018 से। तो पेंशन कब से मिलना स्टार्ट हो गई, सितंबर, कितना, 8,000 रुपये पूरे महीने की थी, लेकिन उसे कितने महीने की मिलेगी, 15, कितना, 4,000 या फिर 8,000 और 8,000। लेकिन जनवरी से उसने अपनी पेंशन कितने परसेंट कम्प्लीट करा ली थी, 75%, कितने परसेंट कम्प्लीट करा ली थी, 75%। इसका मतलब 8,000 का 75% कितना, 6,000। तो अब उसे कितना मिलता, 2,000 2,000 2,000 और 2,000। तो बताओ उसको सैलरी मिली 94,750, डीए कितना मिला, 47,375, और पेंशन कितनी मिली, 34,000 की। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया नहीं आया, बोले आप लोगों को, हो गया इतना क्लियर, राजेश, ज्योति, महक, आपको हो गया, सबको ओके ना। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे,
सबसे पहले पूछेगा क्वेश्चन में आपसे, हमें ग्रॉस सैलरी पता करनी है, तो हम अपना क्वेश्चन को ले आते हैं ना वापसी। ये क्वेश्चन हमारा आ गया, ये रहा क्वेश्चन आपका। सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी कितनी है आप यहाँ मेंशन करें, ठीक है। बेसिक सैलरी कितनी आई थी, 94,750। आपका डीए कितना था, अच्छा डीए कितना था सर, डीए तो इसका, डीएस का कितना था, 50% था ना, ठीक है। फिर हमें क्या मिली थी, पेंशन, पेंशन कितनी थी कोई बताएगा, 34,000। पेंशन कितनी थी पूरा आ जाओ। इसके बाद हमें सबसे पहले क्या निकालना है, क्या निकालना है, कम्यूनिटेड पेंशन निकालनी है। अब बताओ ये कैसे निकलेगी, सबसे पहले हमें मिल कितने रहे, 6 लाख। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, कम्यूनिटेड पेंशन निकाल। क्या उसे ग्रेचुटी मिल रही है क्वेश्चन में, हाँ सर क्वेश्चन में ग्रेचुटी मिल रही है, तो हम कितना कर देंगे, 1/3, ठीक है। कोई बताओ कितना आंसर था आपका, अगर मेरा है 1/3 इंटू कितना, 6 लाख और कितना, 60% 75%, तो 100 × 75%, क्लियर है। जैसे आप शॉर्ट में क्या कर सकते थे, 1/3 इंटू 6 लाख इंटू 4 × 3, ये भी कर सकते थे, सिंपल था। अब आपके पास क्या लॉजिक बनता है वो आप डिसाइड कर लें, ठीक है। आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ लें, 6 6 से डिवाइड कर दें। अब आप क्या करना चाहेंगे, हाँ मैंने कहा ना आपको जो इजी लगे आप कर लो, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा, आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले 3 से इंटू करेंगे, 4 से इंटू करेंगे, 6 लाख इंटू 4
कितना 24, फिर डिवाइड कर देंगे कितने से, 6 से, 6 से क्यों कर रहे हैं, प्लस 3 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, अच्छा कितना 9 से करना पड़ेगा, कितना आएगा 266,000, कितना आ जाएगा 266,000 रुपये। तो आप कितना लिख दोगे यहाँ पर, 26667, ठीक है। एग्जम्पशन कितने की मिल जाएगी, 26667, और बाकी कितना रह जाएगा आपका, दिस 33,000 रुपये। कोई दिक्कत है, इसके बाद क्या निकालोगे आप, क्या निकालोगे, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का फार्मूला पता है, एक्चुअल कितना मिल रहा है, 240। अच्छा क्वेश्चन में उसने बोला था कि वो कवर्ड है या नहीं है, ऐसा कुछ था, कुछ भी नहीं था, बताओ क्या अज्यूम करें, कवर्ड माने या नॉट कवर्ड माने, कवर्ड मान लेंगे तो इजी हो जाएगा सर, फिर आपको निकालना नहीं पड़ेगा, नॉट कवर्ड मानेंगे तो इजी हो जाएगा, तो वहाँ बेसिक प्लस डीए प्लस इफ प्लस परसेंटेज, उसमें 10 मंथ की एवरेज सैलरी भी निकालनी पड़ेगी आपको, कवर्ड मान लें तो सोच कुछ नहीं कर रहे सर, दोनों ही केस ले लोगे तो फिर आपका सिंपल है। सबसे पहले 10 महीने की सैलरी निकालो, जब वो रिटायर हो रहा है उससे पहले, तो कब से निकालोगे, अगस्त से। पहले वाले क्वेश्चन में अगर हमें चाहिए तो हमें 10 मंथ की एवरेज सैलरी चाहिए, तो ये कितने मंथ हो गए हमारे, ये टोटल हो गए 5 महीने, कितने हो गए, सितंबर को छोड़ दिया ना, क्योंकि वहाँ लिखा था लास्ट ड्रोन सैलरी, तो लास्ट ड्रोन कब से मिली होगी, अगस्त से, लास्ट मंथ बोला था ना, तो अब निकाल लो। अब यहाँ तुम आपका सबसे पहले क्या आएगा, उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, अगस्त जुलाई जून मई अगस्त मार्च अप्रैल मार्च मार्च फेब जैन दिसंबर और नवंबर, कितने हो गए, 10 हो गए। अच्छा इसमें तनख्वाह उसकी कितनी थी, 17,500, इसमें तनख्वाह कितनी थी, 17,500, इसके बाद 17,000, क्लियर। ये टोटल कितनी तनख्वाह हो गई इसकी, 1,71,000 रुपये। फिर आप क्या निकालोगे, डीए, डीए कितना निकलेगा इसका, 50%, तो कितना आ जाएगा इसका डीए, कितना आ गया, 85,500। अब इन दोनों को जोड़ लो और फिर कितने से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो इसकी पर मंथ एवरेज सैलरी कितनी आ गई, 25,650 रुपये इसकी क्या आ गई, 10 मंथ एवरेज सैलरी। अच्छा इसने जॉब कितने समय करी, कोई बताएगा, जॉब कितने साल करी, ये भी तो निकालना है, नंबर ऑफ ईयर, तो आप यहाँ गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 साल उसने जॉब करी है, आप 16 कैसे कह रहे हो, 9 सर गिन लो आप, 17 साल कुछ महीने, और हमने वहाँ क्या बोला था, कंप्लीटेड ईयर, क्या करेंगे हम, कंप्लीटेड ईयर, तो हमारी 10 मंथ एवरेज सैलरी आ गई, कितने साल थे उसके, 17, ठीक है, और आंसर था 15/30 0.5 × 17 साल, तो आप इसे कर दो दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा, 218,025, तो आप यहाँ लिख दो कितना माफ़ी होगी, 218,025, और माफ़ी कितने की थी, 10,00,000 की, तो टैक्सेबल कितना हो गया, एग्जाम्ड हो गया 218,025, और आपको टैक्स कितने पर देना है, 21,975। सैफ कहाँ फंस गए, 17 साल हैं सर, ठीक है। बस आप लोगों को इस क्वेश्चन में आगे पेंशन लिखना है, कम्युनिटी पेंशन निकालना है, डिडक्शन निकालना है और टोटल कर लेना, मैंने फिगरे निकाल दिए, आप आंसर में डाल देना, ठीक है, कितना कर लोगे, तो आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं।
यस।